हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। जवाहर नवोदय विद्यालय की हिंदी लेक्चर में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, सो आज के सेशन में हम हिंदी की सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले सभी बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अगर कोई भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है तो हमारा जोधा बैच 1.0 जो है वो शुरू है, जिसमें कि आप डेली 3 घंटे की क्लास ले सकते हो। लाइव रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, ठीक है, स्टडी मटेरियल रहेगा और साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है आप क्लासेस ले सकते हो। इस पूरे कोर्स की जो फीस है वो 999 है, यानी कि आप सिर्फ 999 रुपीज़ दे के सारे का सारा कोर्स जो है अवेल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो और आप ऑफिस में विजिट भी कर सकते हो। शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। सबसे पहले सर्वनाम, यानी कि इंग्लिश में इसे हम प्रनाउन बोलते हैं। क्या होते हैं सर्वनाम? यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि हम अपना नाम यूज़ ना करके, फॉर एग्जांपल हम मोहन क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है, मोहन की जगह हम वह यूज़ कर दे तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल तू, मैं, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, उसका, इत्यादि। ठीक है, अन्य उदाहरण जैसे कि सुभाष एक क्या है, विद्यार्थी है, तो सुभाष जहाँ पे नाउन है, नाम है, संज्ञा है, बट इसकी जगह पे हमने वह यूज कर दिया कि वह रोज स्कूल जाता है, तो ये क्या है, ये प्रनाउन है, सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद उसके पास सुंदर बस्ता है, उसके पास यानी कि सुभाष के पास क्या है, सुंदर बस्ता होना, उसका हम क्या यूज करेंगे, ये भी क्या है बेटा, सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद उसे घूमना बहुत पसंद है, उसे यहाँ पर भी जो हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, वो सर्वनाम आता है। उसके बाद सर्वनाम के कुछ भेद हैं, 6 तरह का सर्वनाम है। सबसे पहले पुरुषवाचक, जिसको कि हम पर्सनल प्रनाउन बोलते हैं, निश्चयवाचक, डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रनाउन, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। ठीक है, तो एक एक करके हम जो है डिस्कशन करते जाते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम पुरुषवाचक, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, यानी कि दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है स्त्री या फिर पुरुष के नाम के बदले आते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है, तो यहाँ पे वह, तुम, मैं, तो ये सारे का सारा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद पुरुषवाचक नाम के भी आगे 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार है, कौन कौन से, एक तो है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्यम पुरुष। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष उसे बोला जाता है जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे कि मैं, हमारा, हमको, मुझको आदि। यानी कि मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, मैं उत्तम पुरुष हो गया ना, कि मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान करेंगे, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये हो गए बेटा उत्तम पुरुष। उसके बाद में सेकंड वन आता है हमारा मध्यम पुरुष, यानी कि मैं, हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ मेरे सामने कोई बैठा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, तो उसको हम बोलेंगे मध्यम पुरुष, यानी कि तू, यानी कि जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया, तू, तुम, तुमने, आप, आपने आदि। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, ठीक है, तुम सो जाओ, ठीक है, अगर नींद आ रही है लेक्चर सुनते सुनते, यह करना मना है। ठीक है, उसके बाद अन्यम पुरुष,
यानी कि हम दोनों किसी तीसरे पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अन्यम पुरुष। जैसे कि यहाँ पे कोई हो नहीं, जैसे कि वे क्लास में आज नहीं आए, वह इनका इन्हें उनसे आदि, यानी कि वे मैच नहीं खेलेंगे। हम दोनों बात कर रहे हैं ना तीसरे पुरुष के बारे में, तो उसको बोला जाता है भाई वे अन्यम पुरुष, उन्होंने कमर कस ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उन्होंने, हम शब्द जो यूज करते हैं वो काहे के लिए यूज किया जाता है, अन्यम पुरुष में यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट वन, सेकंड सर्वनाम का आता है निश्चयवाचक, यानी कि जिन सर्वनामों के हमें बात का या वस्तु का निश्चय रूप से पता हो कि हाँ ये चीज होने वाली है या ये ही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक। जैसे कि यह है, वह है, ये, वे आदि, ठीक है। यानी कि उदाहरण के तौर पे पास की वस्तु के लिए यह है कोई नया काम नहीं है, ठीक है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि ये रोटी पक्का जली हुई है इसीलिए मत खाना, कड़वी है, ठीक है, दूसरी रोटी ले लो। सो इसीलिए ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम यूज किया जाता है। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन सर्वनाम की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, पता नहीं है, ठीक है, कोई कुछ किसी, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ठीक है, हमें क्या पता कौन आएगा, कोई भी आ सकता है, माता भी आ सकती है, पिता भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते गेम खेलना शुरू कर दो तो आप देखोगे कि नहीं नहीं कोई आ जाएगा, हो सकता है बड़ा बहन कोई आ जाए, तो ये क्या हो गया बेटा, कोई हो गया। उसके बाद कुछ, उसने कुछ नहीं खाया, ठीक है, तो कुछ यानी कि हमें पता नहीं है कि उसने कुछ खाया है या नहीं खाया है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद संबंधवाचक, ठीक है, सर्वनाम, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का हम दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का ज्ञात हो, तथा जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हो, उनको हम क्या बोला करते हैं, उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण के तौर पर जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे, ठीक है। आप जैसी मेहनत करोगे, जैसा जैसा कर्म करते जाओगे, वैसा वैसा फल पाते जाओगे। वह परिश्रम करता है, वे सुखी रहते हैं, ठीक है, वो जो ना करे सो थोड़ा, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम प्रश्नवाचक, यानी कि जिन सर्वनामों शब्दों का हम सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोला करते हैं प्रश्नवाचक। जैसे कि कौन, क्या, किसने आदि, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में टोकरी में क्या रखा है, टोकरी में क्या रखा है, टोकरी में फ्रूट रखे हैं, ठीक है, ये क्या है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, बाहर कौन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कौन क्या है, प्रश्नवाचक हो गया। तुम क्या खा रहे हो, ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी प्रश्नवाचक नाम हो गया। उसके बाद निजवाचक, यानी कि जिन सर्वनामों का यूज हम अपने लिए, स्वयं के लिए करते हैं, उनको हम निजवाचक बोला करते हैं। जैसे कि अपने, आप, निजी, खुद, जैसे कि मैंने अपना कार्य स्वयं किया, ठीक है, आप यह कार्य खुद कीजिए, ठीक है, अपने नोट्स खुद बनाइए, तो ये क्या हो गया, ये निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आगे हम डिस्कशन करेंगे सर्व की क्रिया, सर्व की कारक रचना के रूप में, जैसे कि सबसे पहले उत्तम पुरुष, ठीक है, ये कारक, कारक होते हैं कौन सा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, ठीक है, अधिकरण में पर, ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं। यानी कि अगर कर्ता हो गया, जैसे कि मैं, मैंने, हम, हमने, कर्ता ने, कर्म को, मुझे, मुझको, हमें, हमको, यानी कि ये एकवचन है, ये बहुवचन है। उसके बाद करण, मुझसे, मैं अकेला हूँ, हमसे, हम सबसे, संप्रदान, मुझसे, मुझे, मेरे लिए, हम, हमारे लिए, अपादान, मुझसे,
हमसे, ठीक है, उसी तरह मेरा, मेरा, मेरी, हमारा, हमारा या हमारी, ठीक है, अधिकरण में पर, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर, तूने मुझ में ऐसा क्या देखा, ठीक है, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अधिकरण हो गया, ठीक है। उसी तरह बेटे यहाँ पे तू में अलग अलग जो है मैंने दे रखे हैं, जैसे कि कर्ता ने, एक वचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, वो इसी में यूज किया जाता है, उसीलिए वह बहुवचन यानी कि अन्य पुरुष के लिए भी हमने यहाँ पे कारक दे रखे हैं, एक वचन बहुवचन। आप इस वीडियो को पॉज करके इन दोनों के, तीनों के जो है नोट्स बना सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम नया टॉपिक जो है डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली, धन्यवाद सभी का, बाय बाय।